हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। जी पहले भी हमने एक साउथ मूवीज का क्लिप था देखा, एक्शन वाला आलू अर्जुन का, और अब जो देखने जा रहे हैं वो है जी ब्राह्मणंदन। बहुत ही जबरदस्त है, छोटी सी हाइट है लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका वाला हिसाब है इनका, और बहुत ही जबरदस्त है। जैसे बॉलीवुड की मूवीज में है कुछ, जैसे वो हो गए परेश रावल, हो गए जॉन लीवर, हो गए कादर खान, ऐसे फनी कुछ करेक्टर हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं। वैसे ही ये है साउथ मूवीज में, और बहुत ही जबरदस्त हों जिस मूवी में हो, और कहते हैं ना मूवी को चार चांद लगा दिए वो वाला सीन बन जाता है इनके होने से मूवी में। तो इनका एक क्लिप आया सामने तो बड़ा मजे का आया, मैंने कहा चले इस पर रिएक्शन देते हैं, आपको भी देखें हम भी देखते हैं जी। इसका टाइटल है बेस्ट ऑफ ब्राह्मणंदन, बड़ा मुश्किल था नाम है हिंदी डब मूवीज का है। ये कौन सी मूवी है ये अब हमें नहीं पता, आप लोग को पता हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, फिर अच्छी अगर मूवी अच्छी क्लिप अच्छा हुआ तो फिर हम मूवी पे भी रिएक्शन दे देंगे दूसरे चैनल पे, हमारे साउथ मूवीज रिएक्शन के नाम से जो चैनल है उस पे। तो चलो जी देखते हैं, तो चलो जी ये जो है क्लिप ये भी देखते हैं जी, इसमें हीरो कौन कौन से हैं पता चलेगा। ये अभी हमने देखा नहीं है, सीन आप लोगों के साथ ही देखने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया करें तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें। तो चलें लेट्स गो। तो ये तुम्हारा फेवरेट ही है। अरे तुम पहले कमीशन की बात करो, उसके बाद बाकी की बात होती रहेगी। ये तो दिखने में इतना स्मार्ट नहीं है सर। क्या बात करो, चाहो तो सुनो तरह से। हेलो हेलो हेलो, एक वक्त अब मोबाइल कंपनी भी शुरू करनी पड़ेगी यार। सर फ्लाइट में इतना खर्चा करके दिल्ली जाना जरूरी? हम अपना खर्चा देखते रहे तो सूरी साहब का क्या होगा। अब ये सूरी कौन है? दामोदर के पावर प्रोजेक्ट का बैकबोन, लेकिन वो तो सूरी का इस्तेमाल कर रहा है। जस्ट 2% कमीशन देकर खुद 1000 करोड़ निकल गया। इसमें गलत क्या है? अरे प्रोजेक्ट परमिशन के लिए मिनिस्टर को 25% दिए, लोकल सपोर्ट के लिए एसपी साहब को 25% दिए, लेकिन सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाने वाले उस को सिर्फ 2%। तो इसमें आप क्या करेंगे सर? दामू का ये सारा घपला मैं सूरी को बताऊंगा, बोलूंगा कि कमीशन नहीं पार्टनरशिप पर काम करो। इसमें आपको क्या फायदा? अरे यार उन्हें 200 करोड़ मिलेंगे तो हमें 2 लाख नहीं देंगे क्या? ये कहता तो 2 लाख देकर मुझे 200 करोड़ दिलाएगा। फ्लाइट का टाइम हो गया, कहां जा रहे हो? दिल्ली। जरूरत नहीं, तुम कौन होते हो कहने वाले? दिल्ली सूरी। दिल्ली सूरी, माय गॉड दिल्ली सूरी आप हैं। सॉरी सर आपको पहचाना नहीं, कुछ भी बात दिया। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसी गलतियां होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर आउटस्टैंडिंग सर। तुम तो कम नहीं हो, कमीशन से बंद होने वाली मेरी आंखें तुमने खोल ली। पार्टनरशिप आज ही फिक्स करना। नेक काम में देरी कैसे? नहीं यार जरा ट्राई कीजिए। अरे आ जा, उल्लू बना रहे हैं। हां बोलिए सूरी साहब। देखो कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, हमारे सारे पार्टनर्स का सब मीटिंग अरेंज करो, बाकी की बात वही आकर करूंगा। ठीक है सूरी साहब। ये कैसी रिंग? तो मेरी बीवी की आवाज है। उसका मेरे तलाक के बाद वो मुझे दिन रात यही श्राप दिया करती थी, लेकिन नुकसान के बजाय मुझे फायदा हो गया। अब उसने मुझे श्राप देना बंद कर दिया, इसलिए रिंगटोन बनाना पड़ा। आप अमेजिंग है सर, लेकिन याद रहे हम मिल चुके हैं, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। आप कौन? मैं कौन? आप कौन? आप सुपर हो क्या सूरी साहब? हमारी तो ब्रोकरेज की बात हुई थी, अब आप प्रोजेक्ट में शेयर क्यों मांग रहे हो? ब्रोकर हो तो क्या ब्रोकर ही बना रहा होगा, ओनर नहीं बन सकता। ए सूरी ज्यादा बोलेगा तो इधर रिस्क डालेगा। दुर्गा रुक जा, सूरी साहब आप बैठो। आपको पार्टनरशिप चाहिए इतना है ना? इतना ठीक है। इस प्रोजेक्ट में 50% मेरा है, बाकी 50% इन दोनों का है, उसमें से 10% सैक्रिफाइस करके आपको दे देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं दूंगा। हाथ में जोड़कर परमिशन हम लेकर आए और इस भिखारी को तोरे करने पर 5% दे। ए मिनिस्टर मुंह संभाल के बात कर। नहीं तो का? नहीं तो काट डालूंगा। तू कर तो दिखा। परसेंट के लिए आप अपना पुराना रिलेशन खराब करेंगे? अरे एसपी साहब आप समझाइए। नहीं नहीं दूंगा। प्लीज शेयर हम आखिर किसे दे रहे हैं? अपने सूरी भाई को। हम अगर उन्हें 1 गिफ्ट देंगे तो वो 10 ऐसे और प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करेंगे। क्यों सूरी भैया? इसको जो करना है करो, हम जा रहे हैं। सुनो तो गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन होता है तो फार्म हाउस जाकर हंटिंग करके वेज खाते हैं। अरे बैठो ना तुम। सूरी साहब अब तो खुश है ना? पार्टनरशिप डील जब हाथ में आएगा तभी मैं खुश होगा। उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। तो फिर जब तक काम नहीं होगा मैं यहीं पर रहूंगा। तो हमारे गेस्ट हाउस में रहिए, किसी होटल से कम नहीं है। मिस्टर का फ्रस्ट्रेशन और भाई का इरिटेशन देखकर मुझे डर लग रहा है। मुझे 24 आवर सिक्योरिटी चाहिए। नो प्रॉब्लम शंकर सर, सूरी भैया की पूरी सिक्योरिटी मैं तुम पे छोड़ दूंगा। ओके सर। ओके हैप्पी फॉर द टाइमिंग। कांग्रेट सूरी जी, आप ब्रोकर नहीं ओनर हो, स्मॉल कैप हो भाई। बाकी बैकअप आप फोन पर ज्यादा बात करते हैं ना, इसे 1 घंटा चार्ज करोगे 10 घंटा चलेगी, आपके बहुत काम आएगी। एडवांस में गुरु जी इसमें 2000 कम है। टीडीएस गुरु। शंकर तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सरोजा, अगर तुम्हें केस से नाम हटाना है तो डिपार्टमेंट की हेल्प करनी होगी। क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहे हैं।
उसके लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे तो मुझे याद आया आपकी फैमिली तो फिट है। थैंक यू बेटा, हमारे ब्लड में शुगर के अलावा एक्टिंग ही एक्टिंग बसी है। तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या है? शॉर्टकट। वेलकम टू शॉर्टकट। एक ऑर्डिनरी ब्रोकर 6 हफ्तों में 7 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? बस अपनी ब्रेन की पावर को यूज करके। और यही है आज हमारे शॉर्टकट की स्टोरी। हमेशा कमीशन के लिए ही काम करते थे ना, अब अचानक शेयर क्यों मांग रहे हो तुम? जिंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ना है क्या? ब्रोकर हमेशा ब्रोकर ही रहेगा, ऑनर नहीं बनेगा क्या? पैसा मेरा, रिस्क मेरा, टेंशन मेरा। और मजे तुम उठाओ, जब काम खत्म हो जाता है तो कुछ परसेंट देकर हमें साइड करके भूल जाते हो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप, आराम से बात करते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल ब्रोकर सिर्फ यही पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसने तो पूरे प्रोजेक्ट पर ही आंखें निकाली। उसके लिए ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो गया। टीवी पे फिल्म देखकर इतने सीरियस क्यों हो गए? सिचुएशन चेंज हो गई है और अब प्रोजेक्ट में 50% मेरा होना चाहिए। ये तो गलत बात है, वो आपको शेयर तो दे रहे हैं। इफ यू एक्सपेक्ट अदर्स मनी देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स। लालच बुरी बला है। नहीं नहीं सर, वो मेरे साथ आपका लेक्चर तैयार करते सुना। तुम मेरे दोस्त हो कि उनकी तरह दुश्मन, मुझे तुम्हारा सजेशन नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मेरी अंतरात्मा सपोर्ट नहीं करेगी ना, वो मेरे घर आएगी, मेरे किचन में आएगी, मेरे बेडरूम में आएगी, मेरे बाथरूम में आएगी। भगवान के पास जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा सर? दिल्ली सूरी एक्स्ट्रा 2 लाख देगा तुम्हें। सच में? सच में। आप क्या चाहते तुम्हारी अंतरात्मा? उसे तो मैं समझा दूंगा सर, क्या करना है वो बताइए। सब डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले पढ़े। क्या कह रहे हैं सूरी साहब? जहाँ कहेंगे साइन कर दूंगा। ठीक है, जहाँ जाते क्या हुआ कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब मैं फर्स्ट स्टेशन में होता हूँ तो सबसे दूर इस फार्म हाउस में आ जाता हूँ। सिक्योरिटी को भी अपने साथ नहीं लाता, तुम कहाँ चले आए? सर सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। पुलिस स्टेशन में हो रही प्रॉब्लम्स की जानकारी देने के लिए एसआई साहब ने मुझे इधर भेजा है सर। प्रॉब्लम कहाँ है रखो, देख लो अपनी आंखों। सूरी जी, आपको लिबरेटिंग आती है ना, वो क्या बात कर रहे हैं जरा बताएंगे प्लीज। ये देखिए, दीवारों का रंग उतर रहा है सर। दामोदर का असली रंग यही है सर। पावर भी पूरे दिन नहीं रहता, पावर प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू होना चाहिए था। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, टॉयलेट का डोर भी मजबूत नहीं है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि कुछ गुनाह के सबूत उसने इस तरह मिटा दिए। और ऊपर से मच्छरों का बाहर में जाए मच्छर, वो तो हर जगह होते हैं। बाहर में जाए यारे दोस्त, अब दामोदर नहीं बच पाएगा। ठीक है, देख लेंगे, तुम जाओ। सर त्योहार का मौसम है तो अगर आप थैंक यू सर, चलता आ जाओ। सोचा नहीं था दक्षिणा मूर्ति ऐसा निकलेगा। तुम्हें बताओ उस बेचारे के पास ऑप्शन क्या है? तुम उसे लाख रुपए तनख्वाह देते हो क्या? वो नागराज सुबह सुबह फाइल लेकर दिल्ली के लिए निकल जाएगा। सेंट्रल में उसका होल बहुत पावरफुल है। सारे लड़के हैं ना, क्या करें सुई? उस नागराज को हटा देना चाहिए। बाप रे, वो दामू का दोस्त है। क्या है का दोस्त? बॉडी का पार्ट या बिजनेस पार्टनर खड़ा हो जाए तो फिर कर देते। उन्हें सोचने का मौका तो दीजिए, क्या कटिम कटिम कर रहे हैं आप? कोई सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोच रहे ब्रोकर के प्लान ने काम किया या नहीं, लेट्स चेक इट आउट। फिल्म खत्म हो गई। ये मिनिस्टर को कैसे कैसे मार दिया यार? ऑर्डर तो आप ही ने प्लान किया था, अब आप ही पूछ रहे हैं। मैंने क्या प्लान किया? जरा ये सीन देख लो। उस नागराज को हटा देना चाहिए। हमने
समझा वो कर दिया। वीडियो कोर्ट देखेगी तो अरेस्ट करेगी, दामू देखेगा तो मार देगा। कोई वीडियो नहीं तो ये वीडियो देखो, उस दामू और पार्टनर्स के बीच झगड़ा करा के उनका शेयर भी मैं ले लूंगा। ये तो गलत बात है, वो लोग मिथुन के खुले हैं क्या? लाल जी खिले हैं और दामू तो सभी बदतर है। बैटरी बैकअप नहीं, ये है चार्जर प्लस डॉच प्लस MP3 प्लस अलार्म प्लस रिकॉर्डर। मतलब मेरा आईफोन मेरे खिलाफ यूज करके तुमने मुझे चीट किया या क्या है? अन्याय को पैंट शर्ट पहना दूं ना तो तेरी तरह दिखेगा, और जब मैंने रोका था तो मुझे कहा था अपने सजेशन अपने पास रखो। गलत है, इंसान से होती है ना। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ये वीडियो YouTube पर डालूंगा। क्या करना है सर? अरे पता नहीं मामू बना रहा है इसको क्या। इसीलिए तुम्हें शार्प रहना होगा। मेरा नाम क्या है? शंकर। अब बताओ मेरा असली नाम क्या है? शंकर। एनकाउंटर शंकर बी शार्प। क्या बड़ा ज़्यादा क्रैक की लव स्टोरी है? मैं पूछ रहा हूँ ये किस तरह की लव स्टोरी है? राम लव स्टोरी। राम चरण लव स्टोरी। वो एक बच्ची है क्या जिसे लैंड पसंद है तो लैंड के सामने खड़े कर दोगे? अब अगर मुझे मौत को देखना है तो मुझे मार डालोगे तुम? मैंने मौत को देखा और मैंने लायन को देखा। यकीन नहीं हो रहा मैंने असली लायन को देखा पप्पी। अरे मेरी किस्मत फूटी थी ना तुम्हारे साथ आया। लव स्टोरी से मुझे नफरत हो गई है। ये क्या कर रहा है तू? क्या नारायण को डर रहा हूँ? सॉरी, चाहे जो भी बात हो बैठ कर सेटल कर सकते हैं। सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर गया पर अपना सारा डेटा मुझे दे गया। आई विल सी योर एंड। मुझे सुबह एक सपना आया था, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, सुबह आने वाले सपने सच होते हैं? क्या था बताओ? एक जंगल था और उसका किंग था एक शेर, उसकी पीकॉक जैसी एक प्रेमिका और उसका एक भाई चीता और उसके बेस्ट फ्रेंड्स एक चूहा और एक हाथी। इन पावरफुल जानवरों ने मिलकर एक बार हंटिंग स्टार्ट किया था। पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फाइनेंस करने के लिए। दिल्ली से एक गीदड़ आ गया। उसका खाने वाला रोकर गीदड़ पूरे प्रोजेक्ट को अकेला ही निकल जाना चाहता था। पहले उसने एलिगेशंस लगवाए। बिना दिमाग के शेर ने कीड़ पर पूरी तरह से भरोसा करके उस हाथी को लेकिन वो कीड़ वहां तक नहीं रुका। बेचारे चूहे की नजर पीकॉक पर है। कहानी बनाकर उस पर भरोसा करवा दिया। शेर अपना होश खो बैठा और इसका कीड़ ने फायदा उठाकर चूहे को जहर देकर मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। शेर कौन था? गुड। और हाथी? मिस्टर नागराज। वेरी गुड।
पीछे डायनासोर भी है। कोई डायनासोर नहीं है, वो तो स्पीलबर्ग की क्रिएशन है और ये उस गीदड़ की मैनिपुलेशन। आप इससे बात क्यों कर रहे भाई? मार डालते हैं इसे। नहीं, ऐसे नहीं। इसकी मौत इतिहास बन जानी चाहिए। इसको दी हर एक चोट के पीछे एक कॉन्सेप्ट होगा। पहली चोट पर ही चेहरा बदल जाना चाहिए, दूसरी चोट पर गर्दन टूटे पर ये मरे ना, तीसरी चोट तो ऐसी जगह पर दूंगा कि लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं जिंदा क्यों हूँ सोच कर तड़पना चाहिए इसको। मुझे मार डालो कह के भीख मांगे हमसे। तब अपना पंच बनाकर ऐसी चोट मारनी है कि इसके पंच तत्व शरीर से निकल कर हवा में जाए, तब हम उसे देख कर खुश हो जाए। घर पर आते जाते रहा करो। इसे इनवाइट किया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, ये कहने के लिए फोन कर रहा था, फोन नहीं उठाया तो आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हम बाद में मिल सकते हैं? ओके, कहाँ? कॉफी शॉप। कितने बजे? 10 o'clock. See you at 10. Bye puppy. तुम्हारा दिमाग खराब है, उसे टाइम देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जबरदस्त, बहुत ही मजा आया। ये पता नहीं दूसरी मूवी के बाद में क्लिप शुरू हो गया था ना? नहीं, उसी मूवी का है, ये सारे एक ही हीरो है ना, अभी नाम था वहां पे भी इसमें। लेकिन वो वाला करैक्टर बहुत जबरदस्त था यार, बहुत मजा आया जी। आप लोगों को भी उम्मीद करते हैं मजा आएगा और एंजॉय किया होगा, हंस हंस के हमारे तो बुरा हाल हो गया जी। ब्रह्मानंदम जो है बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त एक्टर है ये। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी प्यारे से सीन के साथ। तब तक रखें बहुत सारे मेरे के दुआ में, यादों के जी। बाय बाय।